अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है 50 टिप्स टू स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। आप लोग 20-20 घंटे पढ़ते हैं, इन्हें रिटेन नहीं कर पाते, उनके माइंड में चीजें जो है वो फिक्स नहीं हो पाती, तो क्या वजह है? कुछ बच्चे जो है वो 4-5 घंटे पढ़ के बड़े अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि भाई वो कम पढ़ते हैं, मार्क्स उनके अच्छे आ जाते हैं, हम इतना घंटे पढ़ते हैं और हमारे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। तो ये कुछ 50 टिप्स हैं मैंने कंपाइल किए, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आजकल क्या है? आपका सेल फोन। सेल फोन को किसी एयरप्लेन मोड पे ऑन करके और इसको आपने किसी कैबिनेट में प्लीज रख दिया करें, जब तक आपके हाथ में सेल फोन होगा आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है? सो यू शुड गेट रिड ऑफ योर सेल फोन। आपको नोटिफिकेशन आ रही है कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टा पे, और आप बार बार देखते हैं और आपको वो डिस्ट्रैक्शन होती है। दूसरी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है साउंड्स। अगर आपको साउंड से प्रॉब्लम है, आप साउंड्स में नहीं पढ़ सकते, तो आपने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करें या ऐसी प्लेस पे पढ़ें जहाँ पे आपको इजीली आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन है कि आपके कोई फैमिली में कोई छोटे सिबलिंग्स हैं, वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, तो वो आपने यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। नेक्स्ट है डू डिफिकल्ट टॉपिक्स फर्स्ट। आपको जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स हैं वो आपने पहले करने हैं, जो आपको आते हैं वो बाद में करने हैं, ताकि ये आपके प्रिपेयर हो जाए। डिस्ट्रीब्यूट टॉपिक्स ड्यूरिंग सेमेस्टर। बच्चे कुछ लास्ट 2-3 मंथ्स में पढ़ते हैं और फिर वो रिटेन नहीं कर पाते, और लास्ट में जब आप पढ़ते हैं कोई 19-20 होती है, आप खुदा ना हास्ता बीमार हो जाते हैं और आपने वो लास्ट के फ्यू मंथ्स रखे हुए पढ़ने के लिए, तो क्या होगा कि आपका पढ़ाई जो है वो हो नहीं पाएगी। इसलिए आपने सारा साल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपना सिलेबस। डेली का जो टीचर पढ़ाता है वो आप घर जाके पढ़ें और उसे याद कर लें, लास्ट के लिए मत छोड़ें, क्योंकि तब आप उसको मेमोराइज भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। टेक एक्सरसाइज ब्रेक्स एवरी 25 मिनट्स फॉर 5 मिनट। जब आप 25 मिनट पढ़ लेंगे तो आपने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। इसमें आप बाहर जाएं, थोड़ा फ्रेश एयर लें, करने कोई एक्सरसाइज कर लें, तो ये आपने जरूर करनी है, वरना आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश नहीं रहेगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आपने कोई अपना अकॉम्प्लिश कर लिया है, आपने अपना कि मैंने इतना पढ़ना था और वो कर लिया है, तो जस्ट रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप अपने आप को कोई चीज खा सकते हैं, कोई अपनी फेवरेट कोई सीरीज देख सकते हैं, सो रिवॉर्ड योरसेल्फ। स्टडी एट मोटिवेटिंग प्लेसेस। ऐसी प्लेस पे मत पढ़ें जहां आप डीमोटिवेट हों, लाइक योर बेड। आप बेड पे लेट के पढ़ेंगे तो आपको नींद ही आएगी, सो यू कैन ज्वाइन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द सब लोग पढ़ रहे होते हैं और आप बहुत मोटिवेट होते हैं। मैंने हमेशा लाइब्रेरीज में ही पढ़ा है, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी कि लोग इतनी इतनी देर और ऐसे टिक के पढ़ रहे हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर लें। ये जरूरी नहीं है कि आपको, कुछ लोग नॉइज वाली प्लेस में पढ़ना पसंद करते हैं, आप किसी पार्क में पढ़ सकते हैं, नॉइजी प्लेस में पढ़ सकते हैं। कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं पढ़ते वक्त, कोई पीसफुल सा म्यूजिक, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं। क्विज योर सेल्फ। जब आप पढ़ें तो अपने आप से सवाल करें और पूछें कि भाई देखें आपने क्या आपने रिटेन किया है। टीच योर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा याद होता है। ये स्टडी की गई है कि जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं बस उनके कम मार्क्स आते हैं, और जो ग्रुप स्टडी करते हैं एक दूसरे को पढ़ाते हैं वो ज्यादा गेन कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्साइज नोट्स करें प्रिपेयर। आप जो आपकी बुक है उसमें से जो जो पॉइंट्स हैं वो आप उनको ऊपर नोट डाउन कर लें। मेक टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल बनाएं कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है, फिर मैंने बैठ जाना है पढ़ने, और उस प्लीज टाइम टेबल को फॉलो करें, उसमें डंडी नहीं मारनी। कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट फॉर्मिंग एग्जाम्पल्स। जो आपको टेक्स्ट में समझ आ रहा है उसकी एग्जाम्पल्स बना के अपने आप को समझाने की कोशिश करें। फॉर्मुलेट क्वेश्चन, क्वेश्चन के किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है और उस पर क्वेश्चन बनाएं। से इंफॉर्मेशन अलाउड। अगर आप ऊंची से बोलते हैं, जिस तरह आप समझे कि आप टीचर हैं और आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो ऊंची से बोलें जो भी चीज आप पढ़ें, तो आपको वो रिटेन होगा नॉलेज। नेक्स्ट इज क्रिएट मैप्स एंड डायग्राम्स। अगर आप जिस तरह बायोकेमिस्ट्री की कोई चीज पढ़े हैं
और आप उसका फ्लो चार्ट बना लें, पॉइंट्स बना लें और डायग्राम बना के आप उसको समझ सकते हैं उस टेक्स्ट को, तो इस तरह से आपको अच्छा रिटेन होगा। फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ स्टडी, क्वांटिटी पे मैं बार बार कह रही हूँ मत फोकस करें, क्वालिटी कितना आप पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है। मेक फ्लैश कार्ड्स, ये थोड़े स्टिकी नोट्स होते हैं, उन पे सारे पॉइंट्स लिखें आगे पीछे और उसको पेस्ट कर लें, ये आपको हेल्प आउट करेगा अगर आप एंड ऑफ द ईयर उसको आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी एंड बिफोर एग्जाम एज वेल। रेगुलेट योर ओन नॉलेज, अपने खुद जो आपने किया है उसको करें, क्रैम करने की कोशिश मत करें, जो आपने रिटेन किया है, जो आपको जो समझ आया है उसको देखें कि आपने क्या रिगेन किया है। उसके बाद सेल्फ टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्विजेस, पास्ट पेपर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बुक्स होती हैं लाइक एमसीक्यूज वगैरह की, वो आप देखें कि आप कहाँ पे लाए करते हैं। और स्टडी वेयर यू फील लाइक, जहाँ आपका दिल करता है आप स्टडी करें, जहाँ पे आप रिटेन कर सकते हैं। टेक प्रिंट आउट्स, कभी भी सेल फोन से नहीं पढ़ते या लैपटॉप से, उसके प्रिंट आउट्स निकालते हैं और फिर पढ़ते हैं, प्रिंट आउट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग इज नॉट रिकमेंडेड, आप इधर अपना पढ़ रहे हैं, साथ अपना सेल फोन चेक कर रहे हैं, साथ कोई और काम कर रहे हैं, तो इससे बहुत पुअर आउटकम्स आते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना। मेक प्लान फॉर नेक्स्ट डे बिफोर गोइंग टू बेड, जैसे ही आप रात को सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे का प्लान बनाएं। ईट हेल्दी होम मेड फूड, अगर आप बाहर से हॉकर से या लोकल वेंडर से या कोई फास्ट फूड इस तरह की गलत चीज़ खाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हेप ए ई अगर हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो बच्चे आपका 1 month जो है ना वो वेस्ट हो, ठीक है, और आप बहुत पीछे चले जाएंगे बाकी अपने जो क्लासमेट से। सो प्लीज़ प्लीज़ ईट हेल्दी, गो आउट इन फ्रेश एयर एंड इंटरवल के बाद आप फ्रेश एयर लें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो सके। स्पेस आउट योर स्टडी, कभी भी पाइल अप ना करें चीज़ों को, डे में जितना आप कर सकते हैं कैपेसिटी उतना आप करें, बाकी आप इसको पूरा ओवर द ईयर जो है इसको स्पेस आउट करके पढ़ा करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप कर सकते हैं उसको बार बार लिखें, बार बार याद करें, तो फिर आपको होता है, पहले आपने एक दिन याद किया, फिर 3 days बाद दोबारा वही चीज़ याद करें, फिर 7 days बाद याद करें, इस तरह एट इंटरवल्स आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जो आपने मिस्टेक्स किए हैं उनसे सीखें, ये कोई गलत बात नहीं है कि आपकी कोई मिस्टेक होगी है या आपके मार्क्स कम आए, डजंट मैटर, आगे की इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचें। प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस बार बार देखें, बुक के एंड पे आपके क्वेश्चंस होते हैं वो देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, पास्ट पेपर सॉल्व करें और पिक्चर्स जो बुक में होती हैं उनको ज़रूर देखा करें, पिक्चर्स में भी बहुत से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं और वो आपको रिटेन करने में हेल्प करता है। हैव एनफ स्लीप, प्लीज़ प्रॉपर अपनी स्लीप लिया करें, 8 hours की स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप 3 घंटे सो के फिर पढ़ रहे हैं तो आप कुछ भी रिटेन नहीं कर पाएंगे, सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट स्ट्रेस आउट, पैनिक मत करें, स्ट्रेस से चीज़ें ख़राब होंगी, बेहतर नहीं होंगी, इसलिए आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी। स्टडी इन चंक्स, छोटे छोटे पीसीज में पढ़ें, छोटे छोटे इंटरवल्स पे, एकदम अपने आप को ओवर बर्डन मत करें। क्रिएट आइडियल स्टडी स्पेस, जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपका रूम है वहाँ डेस्क रखें, कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए, आपका पीछे कुशन होना चाहिए, आपके आगे जो है वो बुक्स, सब नोट्स वगैरह जो हैं वो उस वक्त मौजूद होने चाहिए, जहाँ जहाँ से आपने पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपके टेबल पे मौजूद हों, ताकि आप फिर इन अ गो पढ़ सकें। नोट डाउन योर वीकनेस, जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करें, देखें कि आप कहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी है। यूज एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं। लर्न सेम इंफॉर्मेशन इन वेराइटी ऑफ वेज, अगर आपने बुक से पढ़ा है तो आप उसको दूसरी किसी बुक से वही टॉपिक देखें, और बाकी ये है कि आप नेट से देख सकते हैं और भी जितना मटीरियल आप गेन कर सकते हैं उससे देखें, समझने की कोशिश करें फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है, वेरियस सोर्सेज से आपने कोशिश करनी है। उसके बाद स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स,
नॉट वन पर डे। आपने एक ही सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठ जाना, जिस तरह आपने फार्मा पकड़ी है तो आप सारा दिन आप फार्मा को ही इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा फार्मा पढ़ें, थोड़ा सा बायोकेम पढ़ें, थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ें, जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें ओवर द डे। एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप बहुत बोर हो जाएंगे और रिटेन नहीं कर पाएंगे। सिट एट फ्रंट रोज। नेक्स्ट पॉइंट इज सिट एट फ्रंट रोज। आपने आगे वाली रोज में कोशिश करें क्लास में बैठे। जो बच्चे आगे बैठते हैं उनका 90% सक्सेस रेट होता है, और जो सेकंड रोज में बैठते हैं 80-90% इनका सक्सेस रेट होता है। जो मिड वे में बैठते हैं उनका ऑलमोस्ट 70% सक्सेस रेट होता है, और जो लास्ट में बैठते हैं उनका 60%। सो ये एक रिसर्च की गई थी और इट वॉज फाउंड कि ये इनका रेट है। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। ये नहीं सोचे कि आपने डिस्टिंक्शन ही लेनी है या अपना आपका एम पास होना है। आपका स्टडी जो है वो आपने बाय हार्ट करना है, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आप पढ़ रहे हैं। बाकी सबसे ऊपर आपने जाना है। कल को आपने जॉब्स करनी है तो आप किधर लाइक करेंगे अगर आपका कोई नॉलेज ही नहीं। उसके बाद आपने हेल्दी फूड लेना है, लाइक बेरीज, एग्स, वॉलनट्स, फिश ले सकते हैं, पम्पकिन सीड्स। इनमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं बेरीज में, तो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अच्छी डाइट लें, अच्छा खाएं, तभी आपका जहन काम करेगा। जॉइंट स्टडी टीम और ग्रुप्स। अगर आप कोई फेसबुक पे या कहीं आपके कोई स्टडी ग्रुप्स है या कोई क्लास फेलो हैं, उनसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और फिर उसमें आप सारे डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने इतना पढ़ा और इस तरह सारा कर सकते हैं। रिमेन मोटिवेटेड। अगर कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते, मोटिवेटेड रहना, ठीक है। ये एक ही है कि आपने लेग पुलर्स पे तवज्जो नहीं करनी। और जो आपके क्लासमेट्स आपको वो करने की कोशिश करते हैं कि हमने तो पढ़ा नहीं, इतना पढ़ते हो तुम, इस तरह करके, उन पे प्लीज तवज्जो नहीं करनी। स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड रहना है आपने 365 डेज अ ईयर, और पार्टिसिपेट करना है क्लास एक्टिविटीज में। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आप रिगेन करेंगे। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। इन्वेस्ट इन स्टेशनरी। जो स्टेशनरी आपको पसंद है, लाइक आप कलर हाइलाइटर्स लें, स्टिकी नोट्स लें, अपने उसमें इन्वेस्ट करें। मेक पोस्टर्स, अपने रूम में पोस्टर्स लगाएं, उन पे अपने फॉर्मूलाज या जो आपकी मेडिसिंस वगैरह हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ऊपर लिख के अपने रूम में पेस्ट कर लें। उसके बाद हाइड्रेट वेल, पानी पिएं और अपना हाइड्रेशन ठीक रखें, वरना जो है वो हीमोकॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, बच्चे मेंटली फोकस नहीं कर पाते। सो देवर 50 पॉइंट्स ऑन स्टडिंग वेल।